अंधेरा और रोशनी हर आदमी के जीवन में होते हैं। मैडम के जीवन में रोशनी कॉलेज है तो अंधेरा उनका पति। आपने कहा वो पढ़े लिखे हैं, पेशे से वकील थे, फिर भी ऐसी हरकतें। पत्नी का समाज में नाम हो तो गर्व होना चाहिए, उसकी कामयाबी में उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन हर दिन इस तरह सताना। वो बेचारी कितनी सीधी है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। सांप को काटने में और शेर को मारने में मजा आता है, उसी तरह कुछ लोगों को दूसरों को सताने में और उन्हें रोता हुआ देखने में मजा आता है। एक आदत है, एक बुराई है। क्या माँ जी जिंदगी भर इसी तरह रहेंगी? हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। वही तो, इतने दिनों तक माँ जी का निजी मामला मानकर हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज फैसला करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या कर रही है? संभाल के आओ, आ जा। थैंक यू। रुको, इतनी रात को एक लड़की हॉस्टल में छुपकर घुस रही है, हाँ? कहाँ से आ रही हो? पहले हाथ छोड़ो। हाँ? मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ, आई एम नॉट अ स्लेव, आई हैव माई ओन लिबर्टी। यहाँ हर कोई डिसिप्लिन को मानता है। लिबर्टी क्या होती है? अगर तुम्हारे घर वाले पूछेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? मेरे माँ बाप नहीं पूछेंगे। अगर मेरे घर की सर्वेंट तुम्हारी तरह बात करे ना, तो मैं थप्पड़ मार देती हूँ। सुंदर को विस्की दोगे? वो आग है आग, मेरे जैसा लुच्चा लफंगा नहीं है। जाकर नींबू जूस लेकर के आओ। माफ करना, मैंने सोचा आपके साथ बैठेंगे तो थोड़ा बहुत तो पियेंगे ही। मैं यहाँ मेहमान नवाजी के लिए नहीं आया हूँ, इज्जत से बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, मुझे आप कुछ भी कहिए मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर माजी को सताया तो। डायरेक्ट पॉइंट पर आ गया, मैं तभी सोचा कि कोई डायरेक्ट पॉइंट लेकर आया होगा। आपको अगर पैसे ही चाहिए तो जितने चाहिए जब चाहिए कहिए। इस नींबू जूस की कसम, असली बात बताता हूँ, तुम सीधे पॉइंट पर आए हो, मैं अभी तुरंत तुम्हें बताता हूँ। ये इतना कड़वा क्यों है? ये जंगली नींबू है, सीडलेस, इनडाइजेशन को हटा के भूख को बढ़ाएगा। पैसे के लिए उनको सता रहे हैं तो बोलिए कितना चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, कितना? पहले मेरे पॉइंट को समझो राजा भैया। मेरी राजी बोले तो 3 जान, उसका नाम 4th जान, उसकी इज्जत 5वीं जान, 6वीं, 7वीं, 8वीं। डायरेक्टली पॉइंट पर आओ, घुमाओ मत। घुमा नहीं रहा हूँ, पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। हम अलग हो गए, उसने मेहनत करके स्कूल बनाया, मैं पैसे के लिए उसे सताता रहा, उसने गुस्से में स्कूल को कॉलेज बनाया। अब मैं इल्जाम लगा रहा हूँ तो वो इस क्रोध और आक्रोश से इस कॉलेज को जरूर यूनिवर्सिटी बनाएगी, उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं ऐसा। सीधा पॉइंट पर आऊं तो उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं ऐसा लुच्चा लफंगा व्यवहार कर। इस नींबू रस की कसम खाकर बोलो तब मानूंगा। इस नींबू रस की कसम। ए पांडू। हाँ क्या है? तुम्हारे राजा भैया अब तक क्यों नहीं आए? ये कैसा सवाल है? मतलब बिना खा के गए है या खा के गए है, ये पहला सवाल। बहुत रात हो गई है, देर हो गई, क्यों नहीं आए, ये दूसरा सवाल। और अभी तक क्यों नहीं आए, ये तीसरा सवाल। राजा भैया बच्चे नहीं है, रास्ता थोड़ी ना भूल जाएंगे, आ जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएंगे, तुम सो जाओ ना। पार्वती तबीयत तो ठीक है? नहीं, नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर को बुला लूं? जरूरत नहीं है, तुम सोने के लिए कोई गोली लेती हो ना? टैम्पोस? हाँ हाँ, वो दोगे क्या? ठीक है। डायरेक्टली पॉइंट पर आने के लिए बोला तो पैन के ऊपर। राजा भैया संभल के बेटा, मैं लुंगी पहनता हूँ। तुम क्या पहनाओगे, लुच्चे लफंगे? जिनसे शादी की उनको इज्जत दी है क्या? लुच्चे दूर से ही हंगामा करना भाई, अब ऐसे आगे क्यों आया? मैंने जो पॉइंट बताया था। तूने क्या कह रहे? ये क्या बेटा, पूरी रामायण सुनने के बाद राम सीता की? रामायण की कहानी पता है? बताओ बेटा। रामायण में पांडव 100 लोग थे, गौरव 5 लोग थे, है ना? क्या रामायण की कहानी? नहीं तो क्या तेरे कहानी सुनाऊंगा लुच्चे लफंगे? इधर आ, सुन रे। रामायण में पांडव 100 लोग थे, उनमें से सबसे बड़े वाले का नाम श्री रामचंद्र। पांडवों में सबसे बड़े वाले का नाम श्री रामचंद्र था।
उसका नाम दुर्योधन था रे। ए, 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 तब से देख रहा हूँ तुझे, दारू ज्यादा हो गई है क्या? जाने दे बेटा, छोड़ दे छोड़ दे। अरे जाने देना, क्यों उलझ रहा है? चल 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 निकल यहाँ से, पेंट बाद में ले लेंगे। चल चल निकल, चल बाहर। फिर कभी पैसे की बात की तो उखाड़ दूंगा तुझे, समझा क्या? जा बेटा प्लीज, जा जा, मेरी पेंट घर पहुंचा देंगे, जा जा। डायरेक्टली पॉइंट पे आकर मेरा दारू पीकर मुझे ही सता रहे हो। बाबू बाबू, घर आ गए आपका, उतरेंगे क्या? क्यों उतरना है? मतलब मैं उतरूंगा तो तू इस पर चढ़ गए यहाँ से भाग जाएगा, है? समझता क्या? समझता क्या? साहब मेरा मतलब ये नहीं था, यहाँ से मेरा मतलब था ऑटो रिक्शा से जाएंगे क्या? ऑटो 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 पहले क्या नहीं बताया यार? ऑटो बोल तो रहा था, सुनते नहीं, मारे जा रहे। आइए यहाँ बैठ जाएंगे, और ये ऊपर ऐसे बस ऐसे है ना, बस 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 ऑटो। सत्यवती सत्यवती, कौन? सत्यवती, क्या है इंदिरा? मैंने खिड़की में से किसी को देखा, चोर हो सकता है। हाँ? उस तरफ भागा था। मैं भी आती हूँ। गीता उठो, उठो ना, लगता है श्रीलता। श्रीलता आ रही हो, क्या हुआ? चोर आया है, इधर गया है। हाँ, इस तरफ, इस तरफ चलो, चलो चलते हैं, चलकर देखते हैं इसको। ये कह रही है चोर आया है, घबराना नहीं, देखते हैं चलकर। ये दरवाजा क्यों खुला है? यहाँ है क्या? क्या हुआ? अरे क्या बात है इंदिरा, क्या, बात क्या है? हुआ? तुम खुद ही देख लो। तुम लोगों की बात मैं नहीं मानती, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ मैडम। व्हाट गर्ल्स, व्हाट हैपेंड? All of you go to your rooms, please. जाइए। राजा, 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 उठो, उठो राजा, राजा, उठो, 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 राजा। पीकर आके सोए हो? बाहर चलो, निकलो यहाँ से। पार्वती सुनो बेटी, इस बिस्तर पर कैसे आया? मुछे नहीं, ये तूने क्या किया? कुछ भी क्या किया तूने? पीकर आया? मुझे नहीं पता माजी, मैं यहाँ। तू निकल यहाँ से। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। निकल जा मेरी नजरों से, निकल, बाहर निकल यहाँ से, चलो निकल, निकलो। लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या समझा था और तू क्या निकला? चल चल निकल। मैं वहां कैसे?
हादसा हो गया मैडम। जल्दी आइए मैडम, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? आइए आइए, ये देखिए पार्वती।